अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय अशोक गहलोत साहब कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट साहब, हमारे स्वास्थ्य मंत्री व प्रभारी स्पीकर, चुनाव के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन शर्मा जी, हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह कटारिया जी, जिला अध्यक्ष नेटवर्क का जिम, हमारे पूर्व विधानसभा वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह शेखावत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष बैरिया जी, महादेव सिन्नी खंडेला साहब, सुभाष मोदी जी, आकम अली जी, वीरेंद्र सिंह जी, भगवान चालकी सैनी, दिनेश कशवा जी ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़, श्रीमती उमिला निशाल भाई जी प्रधान साहिबा लक्ष्मणगढ़, चांदनी शर्मा जी चेयरमैन नगर पालिका लक्ष्मणगढ़, सुभाष मीर साहब, जीविका जी, शंकर पन्नो जी और राजेश शर्मा जी, तमाम अन्य उपस्थित हमारे नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है आज लोकसभा चुनाव हमारे सामने हैं और कैंपेन की शुरुआत सीकर के लक्ष्मणगढ़ से होने जा रही है। सीकर का हक था क्योंकि सीकर ने अपने जिले की जो सीटें जिताई है लोकसभा की, चाहे वो कुछ सीटें नहीं जीत पाए हम लोग, अधिकांश सीटें आपने कामयाब की, एक मैसेज दिया राजस्थान को और हमें पहले से उम्मीद थी कि इस बार शेखावटी चुनाव में विधानसभा में राजस्थान निश्चित मौत रहेगा और वो आपने करके दिखाया, करीब करीब हम अधिकांश सीटों पर कामयाब हो गए। शेखावटी का रिश्ता क्या है कांग्रेस के साथ में वो मुझे बता नहीं जा सकता, नहीं मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, गुजर बैठे ने मुझसे भी ज्यादा जो सीनियर है वो जानते हैं कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस का हमेशा आपने दामन थामे रखा और कांग्रेस वो पार्टी हमें गर्व है जो आज गर्व से कह सकती है सत्ता में रहने के बावजूद भी कि जिसका त्याग का बलिदान का कुर्बानी का इतिहास है देश का आजादी के पहले फ्रीडम फाइटर हो गए तो सीकर हो, झुंझुनू हो, नागौर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो या पूरे राजस्थान के अंदर मिलेंगे आपको जिन्होंने आजादी के जंग में हिस्सा लिया था और आजादी के बाद में भी इंदिरा गांधी की हत्या हो गई जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का उदय कर दिया और 90,000 लगभग 1,00,000 कर्नल जनरल मेजर और सैनिकों को हथियारों के साथ आत्मसमर्पण समर्पण करवा दिया। तो दुनिया के इतिहास में कहीं किसी ने पढ़ा है एक मुल्क के दो टुकड़े हो जाए 1,00,000 सैनिकों का समर्पण हो जाए, वो ताकत हिंदुस्तान में हमारे मुल्क में इंदिरा गांधी के जमाने में आ चुकी थी। अभी मोदी जी नाम लिया कि 70 साल में ये काम भी हुआ है, इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बने दिया, आप रोज पढ़ते थे कि 50 लोग मर रहे हैं, कभी 80 मर रहे हैं, कभी 40 मर रहे हैं, आतंकवाद कितना छा गया था, एक्शन करना पड़ा, नहीं चाहते इंदिरा जी को स्वर्ण मंदिर में, उनको पता था मेरी हत्या हो सकती है, मैं खुद उनका मंत्री था डिप्टी मिनिस्टर था, मुझे उन्होंने खुद ने कहा
और वास्तव में चर्चा हुई गई और सौभाग्य ने की दुर्भाग्य ने की किस प्रकार से वो शहीद हुई देश के लिए शहीद और उन्हें खुद की सिक्योरिटी मैंने उनको मार दिया। उन्होंने एक दिन पहले कहा था उड़ीसा के अंदर अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे परवाह नहीं है, मेरे खून का एक कतरा इस देश के काम आएगा, मजबूती बनाएगा। क्या मोदी जी ने कभी जिक्र किया 5 साल में इस बात का? चित्तसार ने क्या किया? मोदी जी चित्तसार में कांग्रेस अगर ये लोग तो जीना नहीं रखती, पाकिस्तान में सैनिकों में शासन होता आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, ये कांग्रेस उपलब्ध है। क्या नहीं किया? सोई नहीं बनती थी इस देश के लिए, क्या बनता था? बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे। उस मुल्क में आज सब कुछ बन रहे हैं, हवाई जहाज भी, टैंक भी, पनडुब्बी भी, क्या नहीं बन रहा यहाँ पर? आज दुनिया की ताकत के खिलाफ खड़े हैं। आईटी सेक्टर हो जो राजीव गांधी का सपना था, उसमें हमारे नौजवान हजार लाखों जहर अमेरिका के अंदर दुनिया के अंदर छाए हुए हैं, ऐसे हो गया। आप प्रधानमंत्री बने, इसरो संस्थान में गए जो इंदिरा गांधी ने 35 साल पहले बनाया था, एक उपग्रह छोड़ा मंगल ग्रह का, ऐसा मैसेज इन्हें कोशिश की जैसे कि आप ये प्रधानमंत्री बनते ही आप इसरो के अंदर एक उपग्रह छोड़ा जा रहा है। आप तो कल आए थे, 35 साल लगे उस संस्थान को बनाने का, और जिस रूप में मोदी जी मार्केटिंग करते हैं, सच्चाई से कोसों दूर बातें करते हैं, लटके झटके करते हैं बोलते मिलते होंगे टीवी के अंदर, हाथ के पूरे शरीर के, जैसे पिक्चरों में जो है कोई एक्टर करता है तो अपन फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ प्यार की मोहब्बत भी होती है लड़के लड़कियों के साथ में, वहाँ पर उछल कूद भी होती है, नाच गाने भी होते हैं। आप मुझे बताओ फिर पिक्चर देख के आते हैं कोई ऐसा कोई ये जो सीन दिखते हैं पिक्चरों में लड़के लड़के डांस भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या वो सब कभी देखा आपने कहीं पर? इसका मतलब क्या है? वो एक्टिंग है, वो एक्टिंग है, वो मुझे मानने की नहीं। दुनिया भर में बॉलीवुड हॉलीवुड सब चलते हैं, कहने का मतलब वहां सच्चाई कुछ नहीं है, वहां पर खाली एक प्रकार से मनोरंजन है और गाने हैं, एक्टिंग है, वो शूटिंग होती रहती है। आप मुझे बताओ मोदी जी भी उसी रूप में पेश आए न्यायपान था, सबसे संतोष हो तू टनल का उद्घाटन हो रहा है तो आज हमारे पास में ये सुरक्षा वाले लगे रहते हैं, वो छोड़ते नहीं एक सही। मोदी जी को देखा होगा आपने, फोटो अकेले के आए, उनका जो मंत्री केंद्र का है उस विभाग का, जिस विभाग में आप उद्घाटन कर रहे हो, सड़क का कर रहे हो, ओवर ब्रिज का कर रहे हो, टनल का कर रहे हो, मंत्री की मंत्री में खड़ा नहीं हो सकता उनके साथ अकेले खड़े, मतलब बिल्कुल वो बॉलीवुड के एक्टर के लायक व्यक्तित्व है वो, इसमें कोई और उसमें उन्होंने वो कामयाबी है, उनको बॉलीवुड में जाते हैं अगर वो हो सकता है वो देश में भी दुनिया के अंदर भी एक अलग छाप छोड़ते, 5-6 ड्रेस बदलते दिन भर के अंदर और बाकी तो बातें आप देखो देश में मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब कहा, आपको देश को कहां पहुंचा दिया, 5 साल पहले क्या बातें बोलते थे, अगर उनका भाषण हमारे नौजवान लोग देखते होंगे, कई लोग सोशल मीडिया में मोबाइल फोन में, 5 साल पहले जो बोलते थे भाषण, आतंकवाद पे हो, चाहे महंगाई पे हो, करप्शन पे हो, क्या क्या नहीं बोलते थे मनमोहन सिंह के खिलाफ, वो अगर भाषण सुन ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि
कांग्रेस को कैंपेन करनी जरूरत नहीं पड़े, जनता अपना आपके वोट दे ले। अब उनका जिक्र नहीं करते, अब उनका जिक्र नहीं करते, अब नहीं जानते हैं कि वो जिक्र करूंगा तो लोग मुझे पूछेंगे आपने क्या किया, महंगाई कैसे बढ़ गई, ब्लैकमेल लेके आऊंगा, एक रुपए क्यों नहीं लेके आया आप, ब्लैकमेल एक रुपए नहीं लेके आए हैं, 5 साल 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे, वो बात करना बंद करो। फिर वसुंधरा जी ने 15 लाख का वादा करके भूल गई थी, वही भूल गए, महंगाई बढ़ती गई, और रेफर का मुद्दा 500, आप बताइए मुझे, मेरे तो समझ के परे है, 500 करोड़ का लड़कू विमान रेफर जो कांग्रेस ने तय किया यूके गवर्नमेंट वक्त में टेंडर करके किया, वो सरकार बदलते ही कहते 1600 करोड़ का हो सकता बता दिया, बाकी क्या क्या कहते कि लंबी बात है, टेंडर क्यों नहीं किया, पहले वाले कैंसिल कर देते, वहां पर टेंडर करते, हम समझते हुए रेट ज्यादा आ गई होगी, कुछ भी समझ लेते हम लोग, बिना टेंडर कैंसिल किए हुए आप कैसे 526 करोड़ के विमान को 1600 करोड़ से अधिक बना बेच सकते ले खरीद सकते हो, और जरूरत थी 126 विमानों की, आप 36 में आ गए, क्या देश इन बातों को जानने का हक नहीं रखता क्या? माहौल ऐसा बना दिया, अगर आप आलोचना भी करो तो आप देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, राष्ट्रभक्त नहीं, हम सब राष्ट्रद्रोही बैठे हैं, और अगर बीजेपी झंडा होगा वहां बैठे होंगे वो सब राष्ट्रप्रेमी होंगे, ये एक नई बात है, कोई पंडित सुखराम थे गए केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस में थे तब तो वो भ्रष्ट थे, हिमाचल के वो नेता थे, बीजेपी ज्वाइन करी तो राजभक्त हो गए, ईमानदार हो गए, निष्ठावान हो गए, तो ये इनकी फितरत में है, ये असलियत आपको समझनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी लोगों को, आज कोई माने नहीं माने, वास्तव में लोकतंत्र खतरे में है, आज संविधान खतरे में है और देश खतरे में है, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के ये बात बोलती है, ऐसे नहीं बोलती है, पीएस जाट साहब ने ठीक कहा, अगर मोदी जी वापस चुनाव जीत के आ गए तो पता नहीं देश में वापस चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, चुनाव होंगे भी तो चुनाव नहीं होंगे वो भी बॉलीवुड की तरह नाटक होगा, चाइना में हो रहा है, चाइना चुनाव होते हैं पर चुनाव पहले तय हो रहे तो कौन प्रधानमंत्री ऐसा बनेगा, क्योंकि एक पार्टी का राज है वहां पर, उस प्रकार चुनाव होते हैं, चुनाव का नाम भी होगा चुनाव नहीं होंगे, कहने को बहुत सारी बात है, बहुत हालत खराब है, कोई बोल नहीं सकता, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी सब का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई के पुलिस के यहां तो सीबीआई छापा डालती है, हमने सुनी है कि कोई पुलिस वाला कोई बड़ा अधिकारी है तो सीबीआई छापा डाल दिया, मोदी जी के करिश्मा देखो आप, सीबीआई के हेडक्वार्टर में छापा डलवा दे पुलिस का, वो मोदी का नाम, इसका नाम मोदी है, दो लोग राज कर रहे हैं मोदी और अमित शाह, देश में 2 चेहरे हैं, बाकी बीजेपी के चेहरे 4 बार कोई नाम जानते होंगे कोई जानते नहीं, भी है। तो दो लोग राज कर सकते हैं कभी देश में, लोकतंत्र है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप लोग ये माहौल बना दिया क्या, उनको हमें आप ईमानदारी के 4 साल पहले खबर नहीं थी क्या देश को कि मोदी जी जो है ये चुनाव के पहले जीतने के लिए कुछ भी कर सकता, कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान ने जैसा तेज करवा सकता है, अगर ये धारणा जनता की बनी इनके चुनाव जीतने के बाद में तो ये प्रधानमंत्री की अच्छी बात है, किसी प्रधानमंत्री के बारे में धारणा बन जाए ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ये गरिमा के खिलाफ है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री वो होता है जो कोई
सब निकाले मुंह से तो जनता के दिल को छूने वाली बात होनी चाहिए, छूने वाली बात। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी बोलते थे तो हिंदुस्तान बोलता था, राजीव गांधी। आज भी यादव शास्त्री जी बोले जय जवान जय किसान, उनको मरे 50 साल हो गए होंगे, आज भी लोगों के दिल में ही बात है जय जवान जय किसान की बात है। सोमवार को उपवास रखो, आज भी कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, आज भी जो सोमवार को उपवास रखते हैं, शास्त्री जी ने कहा था। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा वो होती है, अगर इस पद की गरिमा घटाई है आजादी के बाद में, उनका नाम नरेंद्र मोदी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या बोलते राहुल गांधी के बारे में, क्या मुकाबला करोगे आप? पंडित नेहरू 12 साल से जेलों में बंद रहे, ना पंखे होते थे ना बिजली होती थी, अमीर बाप का बेटा था वो। पंडित नेहरू के बारे में आप देखते हो सोशल मीडिया में? आरएसएस और बीजेपी इस घटना स्थल तक उतर सकती है, उतर सकती है कि क्या क्या उनके बारे में कहा जा रहा है, नेहरू के बारे में, उनके पिता के बारे में, उनके दादा के बारे में कुछ हो सकता है? इस निम्न स्तर पर पॉलिटिक्स चली जाएगी देश के अंदर, किसने उम्मीद की थी देश के अंदर? पंडित नेहरू व्यक्ति जो पूरी दुनिया नवा मानती थी, पंचशील का सिद्धांत दिया जी, गांधी कमीशन बनाया, आधारभूत ढांचा खड़ा देश के अंदर, आज हम लोग उसके ऊपर खड़े हैं, नींव पे उनकी बनाई है, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े कल कारखाने, स्टील के कारखाने। और पाकिस्तान क्यों डिपेंड है अमेरिका पे, इंग्लैंड पे, चाइना पर? कहां मुल्क को पहुंचा दिया उस व्यक्ति के बारे में। और इंदिरा गांधी बन गई प्रधानमंत्री, राजीव गांधी बन गए प्रधानमंत्री, आज 30 साल में उनके खानदान में कोई व्यक्ति, राजीव गांधी के बाद में 30 साल में बुद्धि साल में कोई व्यक्ति ना मंत्री है, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री है, खाली पार्टी अध्यक्ष है। और पार्टी में नाम से एकजुट अगर है तो आपके पेट में तकलीफ क्यों हो रही है मोदी जी? अगर राहुल गांधी के खानदान के नाम पर पूरे देश के नौजवानों को, सती जी कौम को, सभी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, भाषा इसी तरह की है, अपन समझ नहीं सकते बोल कौन क्या रहा है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, लिखा हुआ क्या पता नहीं पड़ता हम लोगों को, क्या बोलते हैं समझ में आता नहीं है, तभी मुल्क एक वक्त है। ये किसी ने कहा, मोदी जी ने रखा, बीजेपी ने रखा, इनको पूछो आपकी आजादी जंग में आपकी क्या भूमिका थी, आपकी पार्टी की, आपके नेताओं की, आपने आजादी जंग में अपनी उंगली भी कटाई है क्या? इसका जवाब दे मोदी जी, ये स्थिति उनकी है। और तब भी लंबी चढ़ी, जो कहते हैं इनके नाम वहां पे गुजरात रखा फेंकू, बताओ आपको मोदी जी को फेंकू कहते हैं? आज नहीं कहते, 4 साल से कहते फेंकू। गुजरात के लोग सोशल मीडिया में इनका नाम भी फेंकू के नाम से फेंकते हैं, फेंकते रहते हैं, आज तक फेंक फेंके तो ये मार्केटिंग करते रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत बहुत ही समय बहुत वो है, चैलेंज बड़ा है हमारे सामने। राजस्थान की 25 सीटें कैसे जीते ये हमारा देव होना चाहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक का ले लिया, उसके बाद माहौल बदल गया और मोदी के पक्ष में हो गया, ये बातें फैलाने वाले कौन है? ये फैलाने वाले आरएसएस के लोग है, इनके 10,000 लोग बैठ गए होंगे कंट्री के अंदर सोशल मीडिया में, जो इनके लिए लिखते रहते हैं, जो बात फैलानी होती है षड्यंत्र करके बात फैला रहे हैं वो लोग। जब तो हवा बदल गई है मोदी की, बाबा हवा पहले कम हुई थी अब बदल गई, बाबा कुछ नहीं बदली है। मां झूठे लोग हैं, यूं पूछो, मैंने आज तक मेरे मुंह से नहीं सुना आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में और एयरफोर्स के बारे में किसी भारतीय ने उन पर शंका की। वो क्या कहते हैं,
ये कांग्रेस नेता लोग जो है मुझे पट्टियां नहीं खाने में चलो दे देता हूँ, जो सर्जिकल स्ट्राइक करी जो एयरफोर्स है उनके उन पे वो शक कर रहे हैं, कोई शक कर रहा है क्या? शक उन पे नहीं कर रहे हैं, अगर कोई संदेह है तो जनता को जानने का अधिकार है देश के लोकतंत्र में कि सच्चाई क्या है। अभी मेरे पूर्वता करी थे दुनिया के भर के अमेरिका और इंग्लैंड सबने कहा, सबके ऊपर आकाम सटे लगे हुए हैं, मुझे टेलीफोन अपन सुनते हैं बिना तारों के, पिक्चर देखते हैं टेलीफोन पे, वो तब वहां से दिखती है। उन्होंने कहा भाई ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ जिससे कि कोई लोग मारे गए हों। अगर कोई ये क्वेश्चन करे उनको भारतीय नागरिक, तो भाई ये अमेरिका इंग्लैंड पूरी दुनिया कह रही है कि भाई हमें वापस जवाब दो इनको, तो वास्तव में क्या हो रहा है ये पूछना कोई शंका करना होता है? ऐसा मोड़ते बातों को कि लोग से देखते हैं बात तो ठीक बोलते होंगे, कोई शंका नहीं करता। और सचिन से पहले भी हुई है, कांग्रेस शासन तब भी होती थी, फर्क इतना ही है कि वहां पर बोलने की नीति नहीं सरकारों की कि भाई क्या हमने करके आया, हम क्यों बताएं आपको, वो समझ जाएगा जिसके ऊपर अटैक हुआ है, जिसने हमारे साथ छेड़छाड़ करी है, हमारे दो सैनिकों को मार दिया है, हमने 10 सैनिकों को मार के आगे हैं, हम क्यों बताएं? वो अपने मन में धमेड़ा ले रहे हम क्यों बताएं? तो भाई मन में सोचा रही क्या हमारे साथ वापस दो मारे 10 मार दिए, वो धमेड़ा देता रहे, बताए घर आगे बाद भी बताए देखो दो मारे हमें 10 मार के आ गए, जरूरी है बताना। कई बात ऐसी होती है सीमाओं पर जो भी बदल जाती है, हर बार बदल रोज क्या होता है वहां पे आपको को मालूम ही नहीं है। अभी मैं जा गया वहां पर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर गंगानगर बॉर्डर पर बीएसएफ चौकियों में जाके आया, सैनिकों ने मिल के आया, उनके साथ संवाद करके आया, मुझे पता है क्या क्या होता वहां पर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कृपा करके इनके बातों में नहीं, ये मीडिया जो आज वीडियो ले रहा मेरा, ये सब दबाव के अंदर है, पूरा देश का मीडिया दबाव में है, इनके तो मालिक लोग डरे हुए हैं मोदी के राज में, कब छापा पड़ रहा है सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, ये घबराए हुए हैं, सच्चाई बताते हुए इनको बहुत चिंता हो रही है, मन में सोचते हैं कि पता नहीं देश का क्या होगा, पर इतने घबरा हुआ है दबाव में है कि टीवी में कुछ आ रहा हो दिख, जो आ रहा वो सच नहीं है। एक रवीश कुमार है एनडीटीवी का, उसने कहा देश के लोगों को, उसने कहा 2 महीने तक आप कृपा करके टीवी देखना बंद कर दो, हमारे एंकर भी हम सब जो है इस देश को बर्बाद करने में लग गए हैं, जिस प्रकार का बताया जा रहा है जनता को झूठा बताया जा रहा है, बता दीजिए आप। मैं कोई रवीश कुमार का वकील नहीं हूं, ना एनडीटीवी का वकील हूं, मुझे हिम्मत तो क्यों बोलने की, ऐसे और भी कई लोग हैं, मैं उनके नाम दे सकता हूँ, पर मैं डरता हूँ कहीं बेचारा छापा नहीं पड़ता उनके यहाँ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये जो टीम आ रही है विश्वास मत करना, हमें एक एक सीढ़ी की जरूरत है देश को, आज देश को कांग्रेस की जरूरत है, मैं कह सकता हूँ देश को कांग्रेस की जरूरत है, सुन लीजिए आप। जब 44 में आए थे हम लोग तभी लोगों ने कहा मोदी जी ने कि कांग्रेस कमजोर नहीं होनी चाहिए देश में, और वो क्या कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे कांग्रेस मुक्त भारत तो अगले 100 साल नहीं बनने वाला है, घर घर में चौकी कांग्रेस की देश के अंदर, हर गांव में चौकी मिलेगी आपको। हाँ कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, मैं कह सकता हूँ। जी मैं आपको निवेदन करने हाजिर हूं, हम सभी लोग कृपा करके आप लोग इस चुनाव को खाली सीकर तक नहीं है आपका, जहां आपका बस चले, जहां आप बात कर सको, आपको आपको कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, विकास की बात है कि दत्तात्रेय जी ने पिछली बार आपके आशीर्वाद में मुख्यमंत्री था, 800 करोड़ की योजना हो पानी की हो चाहे सीवरेज की हो, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ उस वक्त में चुनाव आते आते ऐसी स्थिति आ गई, हमने 30 स्कीमें लागू दे दी,
जो विधायक ने मांगा हमने उन मांगों को पूरा किया। चुनाव के अंदर ऐसी स्थिति आ गई, एमएलए मांगता मांगता थक गया, मैं उनको देते देते नहीं थका, ये मैं कह सकता हूँ। जो मांगा दिया, चुनाव पूछते नहीं करा तो और क्या मांगू, सब तो मांग दिया, आप सब दे दिया। वो स्थिति बनी थी उस वक्त, मुझे मालूम है कि यहाँ पे प्याज को लेके भी संकट है, धरना दिया होगा लोगों ने, कभी प्याज कभी लहसुन कभी मूंग प्रॉब्लम आती है। सरकार आते मैंने मूंग के जो खरीद थी बंद हो गई थी, बाहर सरकार में खुद गया, मंत्री से मिला, कुछ हुआ नहीं, कोई रास्ता निकला हम लोगों ने और हमने वादा निभाया। कर्जा माफी का राहुल गांधी जी ने कहा, हमने 10 दिन ही लगाए, 2-3 दिन में कर्जा माफी घोषणा कर ली। आपने अभी तक 450 करोड़ तो माफ हो चुके हैं जिले के, और भी माफ होंगे। भूमि विकास बैंक की कर्जी जिसमें हजारों लाखों हेक्टर जमीन गिरवी रखी हुई है, वो सब छूट जाएगी, वो कर्जे माफ हमने करने की घोषणा कर, वो कमी नहीं रखेंगे। 5 साल बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा, मैंने पहले कह चुका हूँ। पानी के जो बिल आते हैं छोटे छोटे बिल गरीबों के, करीब 2 करोड़ लोग हैं थे राजस्थान में, उनके बिल अब आएंगे नहीं, वो समाप्त हो गया, वो मैंने घोषणा कर दी है। 21 घोषणाएं करी है 80 दिन के अंदर, अभी 80 दिन करीब हुए हम लोगों को। तो आप निश्चिंत रहो, हम सुशासन देंगे आपको। हम राहुल गांधी कहते हैं कि आप सबकी बात सुनकर के फैसला हम करें, कोई घोषणा पत्र बनाया वो लागू कर रहे हैं। मोदी जी मन की बात नहीं कहते हैं, वो मन की बात थोपते हैं देश पर। राहुल गांधी कहते हैं आप थोपो मत, जनता की बात क्या कहती है जनता को सुनकर के फैसला करो, इतना ही फर्क है। इसमें आपको, क्योंकि आप सब मुझे जो बैठे हुए हो इस रूप में, तो मुझे 45 साल हो गए राजनीति करते हुए, तो तीसरी बार मैं आपका आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनाऊ, तीसरी बार बनाऊ, इसलिए मेरा फर्ज था कि मैं आज आपको दिल की बात खुल के कहूं। इसलिए मैं कुछ लंबा बोल गया, माफी चाहता हूं, बधाई रखा आपको। और आपको मैं अपील करूंगा, कृपा करके एक एक चीज का सवाल है, मोदी जी को हटाना बहुत जरूरी है। मोदी जी जब हटेंगे तो देश में आप देखना उत्साह का माहौल होगा, लोग सेलिब्रेट करेंगे, आप देख रहे हो। अभी लोग सबकी हिम्मत नहीं होती है, अभी टेलीफोन में बात करते चमकता आदमी, मीडिया वाले पॉलिटिशियन अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट टेलीफोन बाजा या टेलीफोन बंद करता हूँ, लैंडलाइन बाजा मतलब टेलीफोन मोबाइल जमाने वहां पर लैंडलाइन का आ रहा है, या कहेंगे व्हाट्सएप पर बात कर, व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप ऐसी चीज है जहां पर लोग लगता है कि इसमें बात टैप नहीं कर सकती सरकार, तो व्हाट्सएप बात कर, पता नहीं कोई बात सुन रहा होगा, अपनी बात सुन रहा होगा। लोकतंत्र में हमारी अच्छी है क्या, हमें इतना डर लगे बात करते हुए, हम कोई बात बोले तो राष्ट्र करा दी जो सरकार हमें, ये स्थिति बन गई देश का। इन बातों को हमें समझना है, लिटिंग के नाम पर लोग हत्या हो रही है, क्या नहीं हुआ है देश के अंदर चाहते, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कृपा करके हमारे गोवनी हुई आज ये लक्ष्मण लड़के गोवनी हुई है, गोवनी कामयाब हो, हम 25 सीट जीते हैं, ये हमारा संकल्प होना चाहिए जाने के बाद। धन्यवाद, जय हिंद।